अब ये बात पता नहीं कैसे बताऊं, बट ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है सही में इस सेटअप पे। सॉरी, डरा दिया अगर मैंने। हाँ, इस सेटअप पे आखिरी वीडियो होने वाला है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या था? ओ अच्छा, हाँ तो बहुत टाइम बाद हमने अपना स्पेस चेंज कर दिया और अपना YouTube स्टूडियो भी, यानी कि नया सेटअप देखने को मिलेगा तुम्हें अगली वीडियो से। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने YouTube सेटअप को, यानी कि तुम्हारी हर एक न्यू YouTube वीडियो को कैसे नए सेटअप पे शूट कर सकते हो। न इसके लिए आपको कोई नई लोकेशन पर नहीं जाना है, न इसके लिए आपको अपना घर भी नहीं बदलना है। अब मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि मुझे ये दीवार बढ़ानी है उधर, और मुझे इस साइड भी बढ़ाना है। ओ, ऊपर का भी बढ़ा सकते हैं। और अब चाहूँ तो मैं ब्लैक बार्स भी डाल सकता हूँ। और ये देखिए, बिना वाइड एंगल लेंस से मेरा रूम और भी ज्यादा वाइड हो गया, वो भी सिर्फ AI की मदद से। और मैं चाहूँ तो वहां पर लाइट लगा सकता हूँ, प्लांट लगा सकता हूँ, चाहो तो वहां पर एक केला भी लगा सकता हूँ। केला तो सही नहीं लगेगा। तो कुछ दिनों से तुम फोटोशॉप के जनरेटिव AI के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, मेरा पिछला वीडियो अगर तुमने देखा हो। तो यहाँ पर तुम अपनी फोटोज में से कुछ भी गायब कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ AI की मदद से। वहां पर बस अपना सिलेक्ट करो और प्रॉम्प्ट डाल दो। उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम तुम्हारा AI कर देगा। जो मेरी कई साल की फोटोशॉप की स्किल्स थी वो तो मिट्टी में मिल गई, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं कहा था। तो ये फीचर का यूज करके तुम अपनी फोटोज में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था अपनी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो शायद ही ऑनलाइन किसी ने अभी तक रिवील की होगी, कि इस चीज को तुम अपनी वीडियोज में भी यूज कर सकते हो। फोटोशॉप को वीडियोज में कैसे यूज करें, इसके लिए आइए हॉट सीट पर बैठिए और मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। कंप्यूटर जी, फोटोशॉप खोलिए। तो आप किसी भी सेटअप पे रिकॉर्ड करते हो या फिर घर पे रिकॉर्ड करते हो। आओ तो मैं बताता हूँ उसको मैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये ही क्लिप उठा के अपने PC में डाल ली। अब मान लीजिए हमारे पास पूरी की पूरी एक वीडियो है, तो इस वीडियो में से मैं कोई भी एक फ्रेम एक्सपोर्ट कर लूंगा। एंड अब खोलेंगे अपना फोटोशॉप बीटा, इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्रॉप टूल में आ जाए और अपनी इमेज को एक्सटेंड कर ले इधर से और इधर से। सिलेक्शन टूल पे आ जाओ, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो हम यहाँ पर डालते हैं बुक शेल्फ और जनरेट करते हैं, बस देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। अब जनरेटिव फिल को अपनी वीडियोस में यूज करने के लिए आपको उन पार्ट्स को सिलेक्ट करना होगा जो आपकी वीडियो में मूविंग नहीं है। जैसे कि ये पार्ट मूव हो रहा है और स्क्रीन भी, बाकी इस तरफ कुछ भी मूविंग नहीं है। तो यहाँ पर फोटोशॉप से आप कुछ भी जनरेट करके उसे वीडियो में एज ए इमेज लगा सकते हैं। आओ देख लेते हैं फोटोशॉप ने क्या जनरेट किया है। ओह शिट भाई, ये तो बहुत सही लग रहा। ओ भाई साहब, व्हाइट वाला तो तगड़ा मैच कर रहा है यार। व्हाइट वाला तो थीम के साथ ही मैच कर रहा है। ये ले लेते हैं हम व्हाइट वाला, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पहली बारी में ही। अब मैं इधर वाला सिलेक्ट करूंगा अभी के लिए। इस पे हम कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं डालते हैं, इसको ऐसे ही जनरेट करते हैं, देखते हैं खुद से यहाँ पर क्या लगा पाता है। और इसी तरह से आप अपने शॉट को कितना भी वाइड कर सकते हैं। ज्यादा भी वाइड ना करें, नहीं तो आपके ऊपर से फोकस ही हट जाएगा, लोग बाग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जितना डार्क आपके लेफ्ट राइट में होगा, आप फोकस में होंगे, उतना वीडियो अच्छा दिखेगा। कि बहुत से यूट्यूबरों का कहना है सिनेमैटिक दिखेगा। और इस तरफ के लिए भी इसने, जैसा कि मुझे पता ही था, पर्दे जनरेट कर दिए हैं। और सेम पर्दे हैं यार, ये सेम पर्दे। अभी जनरेट करके देखते हैं, अगर ये इस तरफ थोड़े से हमें ट्रीज दे पाए या फिर थोड़ी सी लाइटिंग इधर से आ पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर मैं प्लांट ही ऐड करना चाहूँ तो मुझे लग रहा है ये वाला लग सकता है कि ये अच्छा है। और अब चाहो तो तुम इसे ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हो। और यहाँ पर तुम्हारे पास ब्लैंक स्पेस आ गया, इसको सिलेक्ट करो एंड जनरेट। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठ जाना है थोड़ी देर। फोटोशॉप की अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉम्प्ट भी नहीं डालना है, यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना है। सिंपल अपना फोटोशॉप भाई समझ जाता है कि अपन को करना क्या है। एंड ये लीजिए, इसने ऊपर के लिए भी जनरेट कर दिया है। और तुम देख सकते हो ये जो शेल्फ है ये भी इसने बना दिया, ये देख सकते हो। ये एकॉस्टिक फॉर्म भी इसने बना दिया, ये देख सकते हो। डोर भी बना दिया, पर्दे भी बना दिए हैं। पहले आपको मेरे जैसे कुछ लोगों को हायर करना पड़ता था ये सब करने के लिए, बट अब आप फोटोशॉप में बस कुछ भी डाल दीजिए और आपका काम हो जाएगा। बट एक मिनट, एडोब फोटोशॉप का जनरेटिव AI वाला फीचर यूज करने के लिए तुम्हें चाहिएगा उनका फोटोशॉप बीटा वर्जन। एंड ये अभी तक फोटोशॉप के ऑफिशियल वर्जन में नहीं आया है, लेकिन ये चीज तुम अपने फोन में भी ट्राई कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एक ऐप से जिसका नाम है इमेजिन गो। ये ऐप फोटोशॉप के जनरेटिव AI और मिडजर्नी से बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ से तुम अपनी लिंक्डइन एंड टिंडर की प्रोफाइल के लिए भी इमेजेस इजिली जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर तुम होम पेज पर आ जाओ और यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट डाल के, जैसे कि मैं डालता हूँ एनीमे स्पाइडरमैन, और यहाँ पर तुम अपनी इमेज जनरेट कर सकते हो। एंड ये बाकी किसी भी साइट की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर तुम्हें एस्पेक्ट रेशियो मिल जाते हैं। अब मुझे स्टोरी पे लगाना है तो 9:16 वाला रेशियो ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पर तुम स्टाइल चूज कर सकते हो एंड कुछ ही क्लिक में तुम यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे आउटपुट इमेजेस मिले हैं, वो भी बिल्कुल यूनिक। उसके बाद जैसे ही तुम नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर तुम्हें टेम्पलेट्स मिल जाएंगी पहले से ही, तो इनमें से भी तुम गो थ्रू कर सकते हो और तुम्हें जैसा इमेज चाहिए वैसा निकाल सकते हो। और इसका सबसे खास फीचर है इसका रिवर्स प्रॉम्प्ट। यहाँ पर तुम कोई भी आर्ट वर्क या फिर इमेज अपलोड कर दो एंड उसके बाद तुम उसका टेक्स्ट निकाल सकते हो जिस टेक्स्ट को यूज करके उस इमेज को बनाया गया होगा। ये फीचर बहुत ही कम एप्स में है, मिडजर्नी और ये सब तो भूल ही जाओ। ऊपर से ये मेड इन इंडिया ऐप है और बस यही नहीं, यहाँ पर तुम्हें AI अवतार वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पर तुम्हें ये बता देगा तुम्हें कुछ इस तरह के आउटपुट मिल सकते हैं। उसके बाद तुम अपना कोई भी स्टाइल चूज करो, क्रिएट नाउ पे क्लिक करो और यहाँ पर 10-20 फोटो डाल के देख लेते हैं एक बार। एंड ये मैंने फोटो सिलेक्ट कर ली एंड तुम यहाँ पर देख सकते हो इसने कितने अच्छे AI अवतार्स बना के दिए हैं मुझे। यहाँ पर देख सकते हो मुझे फुटबॉलर बना दिया गया है, यहाँ पर मुझे एल्फ्रेड बना दिया गया है। ओ शिट, ये मस्त है यार। एंड ये ऐसा लग रहा है अभी थाईलैंड से आया भाई। एंड ये एनिमे वाला तो मेरा फेवरेट है। एंड तुम भी बस अपने फोन से इस तरह के AI अवतार्स बना सकते हो। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में इमेजिन गो ऐप ट्राई करो। अराउंड एक चीज को चेंज करने के लिए 30 से 40 सेकंड लेता है, एक नॉर्मल आदमी 30 से 40 मिनट। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को ही रोस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये AI ने लिखी हो सही में। तो अब हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाए तुम्हें जाना है लेयर्स में और अपनी जो सबसे पहली लेयर से तुमने शुरू किया था उसको हाइड कर देना है इस तरह से। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है PNG में। नाउ ये है तुम्हारा सेटअप। यहाँ पर तुम्हारी फोटोशॉप वाली फोटो को डाल लेना है एंड इसको स्केल कर लेना है, थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना है। और इसे एडजस्ट करने के बाद तुम देख सकते हो ये है मेरा सेटअप, रियल सेटअप जिसपे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये है मेरा AI से बनाया हुआ सेटअप। यहाँ पर शेल्फ है, तुम शेल्फ देख सकते हो पूरी देखना चाहो तो, तुम यहाँ पर प्लांट देख सकते हो पूरा चाहो तो, और तुम यहाँ पर अच्छा खासा जूम इन भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो अगर तुम्हें ऊपर नीचे ब्लैक बार्स चाहिए तो। तुम अपने एक छोटे से रूम को एक वाइड एंगल शॉट बना सकते हो जैसे कि पैनोरामा फोटोज में होता था। तो अगर मैं इस वीडियो को प्ले भी करूंगा तो क्योंकि मूवमेंट सिर्फ हमारे इसी फ्रेम में है तो यहाँ पर तुम कुछ भी लगा सकते हो। चाहो तो इस शेल्फ को तुम चेंज भी कर सकते हो, मुझे ये वाली पसंद नहीं तो ये वाली लगा लो, ये वाली लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। आओ देखते हैं इसको तुम अपनी और वीडियोस में कैसे यूज कर सकते हो। अब मान लो तुम इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते हो बल्कि ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हो। हमारे पास ये एक क्लिप है जो कि मैंने आर्टलिस्ट से डाउनलोड की है। अगर आर्टलिस्ट नहीं पता, यहाँ से मैं अपना म्यूजिक और स्टॉक फुटेज लेता हूँ। तो जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छी स्टॉक फुटेज है, देख सकते हो तुम। आहा, मान लो ये तुम्हारे कैमरा से रिकॉर्ड हुई एक ट्रैवल ब्लॉग का फुटेज है। अब मुझे देखना है यहाँ पर मूवमेंट्स कहाँ पर है। जैसे कि ये पानी में मूवमेंट हो रहा है तो मैं इसके इधर उधर जैसे कि यहाँ पर एक हट जनरेट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा तुम्हारे फुटेज और भी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगी और तुम हर क्लिप में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, और सही बताऊं तो मेरा दिमाग फट चुका है इस इमेज को देख के, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग बिल्कुल ऐसी मैच की हुई है कि इन तीनों में से मैं कोई भी ले सकता हूँ, ये भी और ये भी। भाई ये कितना रियल लग रहा है और ऊपर से ये लाइटिंग भी मैच करता है। और मैं यहाँ पर एक डालता हूँ हॉट एयर बलून। मतलब जो तुम्हारी क्रिएटिविटी हो वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। बस जो तुम्हारी क्लिप्स हो उसमें लाइटिंग चेंज ना हो रही हो, बिल्कुल इस तरह की ऐसी पार्टी ना हो रही हो, सेम लाइटिंग में हो। और इसको तुम ऐसे यूज कर सकते हो जहां जहां पर तुम्हारा मूवमेंट ना हो क्लिप में। और हो सकता है ये जनरेटिव AI वाला फीचर कुछ टाइम बाद प्रीमियर प्रो में भी आ जाए। यहाँ पर डाल सकते हैं एक गर्ल सिटिंग। अब जैसे कि ये वाला रॉक अलग है, ये वाला अलग है, ये फ्रंट में है। तो देखते हैं ये इसको पता लगा पाता है और उस हिसाब से कर पाता है जनरेट कोई लड़की या नहीं। इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे एंड अब ये इसने मस्त दी है लड़की यहाँ पर, और कलर और लाइटिंग सब सेम है। अब तुम्हें पता ही क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट करो, तुम्हारी नई वीडियो तैयार है। और इस वीडियो को यहाँ पर ऐसे यूज़ कर लो, फिर दोबारा जनरेट करो और कहीं और पे यूज़ कर लो, तो एक ही क्लिप को तुम बहुत बार यूज़ कर सकते हो। अब इस वीडियो में तुम्हें इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन आओ तुम्हारा अब दिमाग ही फाड़ देता हूँ। अब मान लो तुम्हारे सेटअप में एक विंडो है, तो तुम्हें अपनी वीडियो को कुछ इस तरह से शूट करना है, अपने कैमरा को उस तरह से रखना है कि तुम्हारी विंडो के सामने तुम्हारा हाथ या फिर किसी भी तरह का मूवमेंट ना आए। उसके बाद मुझे बोलने दीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए। मान लीजिए ये आपकी वीडियो है, ये भी मैंने स्टॉक ले ली है आर्टलिस्ट से। ये वीडियो है एक बंदे की, पता नहीं ये आर्किटेक्चर है जिसने हमारा नया स्टूडियो बनाया, वो तो नहीं है। सॉरी फॉर द मजाक, बट इस वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस वीडियो में खास बात यह है कि ये जो विंडो है सामने, कुछ भी मजा नहीं आ रहा है इस विंडो पे। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस विंडो पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, बस एक इसके सामने बल्ब रखा हुआ है, कोई नहीं, देख लेंगे। अपना एक फ्रेम ले, फोटोशॉप में जाए, यहाँ पर इस फ्रेम को इम्पोर्ट कर ले। इम्पोर्ट करने के बाद आप इस विंडो को सिलेक्ट कर ले और यहाँ पर डालेंगे सिटी थ्रू विंडो। एंड आप धीरे 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 देखते जाइए यहाँ पर क्या जादू होने वाला है। एंड अब आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने हमें क्या जनरेट करके दिया है, एक बहुत ही अच्छी विंडो जिसके बाहर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं। अब इस वाली लेयर को हाइड करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब तो आप ट्रिक समझ ही चुके हैं और यहाँ पर उसको इम्पोर्ट कर लाएंगे। एंड अब आप जैसे देख सकते हैं हमारी पहले विंडो कुछ ऐसी थी। ओहो, बंदा काम पे लगा है, लेकिन जैसे ही हमने जनरेट करा, बताओ न्यूयॉर्क में बैठा है बंदा महंगी सी बिल्डिंगों के सामने, फिर वापस गरीबियत में आ गया, फिर महंगी सी बिल्डिंगों के सामने। और इसे तुम हर बार चेंज कर सकते हो यार। लाओ थोड़ी सी और जनरेट कर लेते हैं 3-4, जिससे तुम हर वीडियो में अलग अलग बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। नई वीडियो एंड विंडो के बैकग्राउंड में तुम्हें कुछ और ही देखने को मिलेगा। कभी तुम मनाली, कभी शिमला, कभी तुम न्यूयॉर्क, कभी कहीं। एक और ये देखे कितना अच्छा बैकग्राउंड है, यहाँ पर डाल देते हैं। एंड विंडो के बाहर अब तुम पहाड़ भी लगा सकते हो, जो चाहो वो लगाओ यार, मजा करो। तो इस तरह से तुम ये जनरेटिव एआई वाला फीचर वीडियोस में यूज कर सकते हो अभी से ही, क्योंकि आगे जाके मुझे पक्का पता है ये प्रीमियर प्रो में भी आने वाला है और आफ्टर इफेक्ट में भी। बट तुम मेरे चैनल पे आए हो यार, मौज करो, खुश रहो और जाओ खेलो इस टूल के साथ। लाइक ना भी पसंद आए तब भी ना करो, सब्सक्राइब भी ना करो भाई। मत करो यार।